महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी के लिए मुश्किल हो गई है। तो मैं कुछ ऐसी रेसिपीज आपके लिए ला रही हूँ जो आपको कम खर्च में बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए, इनको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको क्रश कर लूँगी। ये सारे आलू मैंने क्रश कर लिए, अब इनको निचोड़ के, जितना ज़्यादा निचोड़ सकता है इतना ज़्यादा निचोड़ के इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी बाउल के अंदर। ये आलू का पानी मैंने सारा निचोड़ के निकाल लिया। ये जो आलू का पानी बच गया इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसे मैं ब्यूटी रेमेडी बनाऊँगी। 1 चम्मच मैं लेमन का जूस डाल रही हूँ। ये चिकन क्यूब है, इसको मैं थोड़ा सा चूरा करके इसके अंदर डालूँगी। चिकन क्यूब को आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन क्यूब को मैंने अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये मैदा है, मैंने 5 चम्मच भर के मैदा डाला है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। थोड़ा सा और डाली, मुझे कम लग रहा है। 1 चम्मच मैं नमक डाली हूँ, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 4 अदद हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं डाल रही हूँ। हरी मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसका भी मैं पानी निकाल के डालूँगी। प्याज का पानी भी निचोड़ कर मैंने डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी के लिए मुश्किल हो गई है। तो मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए ला रही हूँ जो आपको कम खर्च में बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मैंने चिकन क्यूब डाला है, आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर या चिकन क्यूब कुछ भी नहीं है, तो अगर आपके पास घर में बची हुई चिकन का सालन है तो उसका गोश्त को निकाल कर उसका रेशा करके भी डाल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास गोश्त का सालन बचा हुआ है तो उसके गोश्त का भी रेशा करके डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाकर इसे फ्राई करूँगी। मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। अब इसके मैं कबाब बनाकर इसके अंदर डालती जाऊँगी। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अगर आपको छोटे बच्चों को देना है तो इसके अंदर से मिर्चों को स्किप कर दें, या शाम के टाइम पे बच्चे जब पार्क से खेल के आ रहे होते हैं तो बच्चों को भूख लग रही होती है, उस टाइम पे भी इसे आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें पलट लूँगी। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से गोल्डन हो गए। अब इसे मैं निकाल लूँगी। अगर आपको इसे फ्रीज़ करना है, इसे मैं फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर इसे फ्रीज़ कर दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कितना फ्राई करके फ्रीज़ करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसे पलट दूँगी। दो मिनट दूसरे साइड से भी फ्राई करूँगी। मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। ये दूसरे साइड से भी देखिए 2 मिनट फ्राई हो चुका है। इस तरह का लाइट गोल्डन होगा, इस तरह से आप निकाल लें और इसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए दोनों साइड से 2-2 मिनट फ्राई कर लें और फिर इसे निकाल लें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रीज कर दें। ये लाइट गोल्डन ब्राउन वाला है, इसे मैं फ्रीज कर दूँगी। ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।